सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं धनोल्टी, देहरादून से लैंडोर होते हुए और उसके बाद धनोल्टी। और हम पहुंच चुके हैं देहरादून के बस स्टैंड पे, जहां पे हमारे मैगी वाले भैया 24/7 लगे रहते हैं। और वाकई में इनका मैगी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और फिर हमने यहां से किया चान खरीदा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम सीधा होटल में लैंड हुए और आराम किया। सुबह की क्या खूबसूरत शुरुआत हुई है, वाओ। तो सुबह सुबह स्कूटी रेंट पे ली और चल पड़े हम अपना लैंडोर की तरफ। यहाँ लैंडोर में लाल टिब्बा बायनोकुलर बहुत ही फेमस प्लेस है, जहाँ से हम बायनोकुलर से हिमालयन रेंज भी देख सकते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी व्यू आप देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चल पड़े हैं लैंडोर से धनोल्टी की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत रास्ते है धनोल्टी के, आप आगे देखिए। और यहाँ पे हमने बीच में एक लोकेशन देखी और वहाँ से सनसेट होते हुए देखा, क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, वाकई में इट्स अमेजिंग। और अब क्या बताऊँ आपको, धनोल्टी जाते हुए इतने बेस्ट बेस्ट प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे रुकना तो ज़रूर ही पड़ेगा। और ये देखिए आप किस तरह से एंजॉय लिया जा रहा है। और धनोल्टी के इको पार्क हम पहुंच चुके हैं और वहां थोड़ी सी सस्ती मस्ती करते हुए। धनोल्टी से आते हुए मुझे लोकेशन दिखी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, सोचा आप लोगों को दिखा दूं, क्या बेहतरीन नजारा है। तो दोस्तों, अपनी धनोल्टी ट्रिप यहीं एंड करते हुए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।